एटॉमिक. नाउ वी शुड स्टार्ट विद एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट? एटॉमिक स्ट्रक्चर. नाउ whenever I am talking about the atomic structure, can you anyone define the who gave the idea about atom first? Who gave the idea about atom first? Definitely yes, it is John Dalton. Dalton gave the idea about atom first, and according to Dalton atomic theory, right? According to Dalton atomic theory, Dalton atomic theory. Now, Dalton atomic theory, what are the simplest and smallest part of matter? The simplest, I'm writing simplest and smallest part of matter which can take part in reaction. Can take part in reaction is known as atom. Known as atom. देखिए ये क्लास का 11 का चूंकि टॉपिक है और आप सभी 9 10 में कई बार पढ़कर क्या आ रहे हैं, व्हाट इज एटम, व्हाट इज एटम में कई बार आपने पढ़ा है. आज मैंने इस डेफिनेशन को इसलिए नहीं लिखा है कि कहते हैं मुझे लिखने का बहुत कोई वो शौक है. देखिए इस डेफिनेशन को इसलिए लिखा है कि आप ये समझ पाए कि इसमें कहना क्या चाहता है. देखिए एक ही सेंटेंस में बहुत सारी बातें इसने कही. पहली बात तो कह रहा है द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर. मैं मैटर के बारे में पहले बात करना चाहता हूं. आपने 9-10 क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था मैटर अराउंड सस, और आपने कहा था द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई द स्पेस और वॉल्यूम विच हैव सर्टन मास एंड विच कैन बी फील बाय आवर सेंसेस इज नोन एज मैटर. हम जिसको महसूस भी कर रहे हैं ना वो मैटर है. फॉर एग्जाम्पल हवा हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन कहते हैं आ हा क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है. अब देखिए महसूस करके हम बता रहे हैं ठंडी सा हवा चल रही. गर्मी में मई जून में कहते हैं आ हा बहुत गर्म हवा चल रही है, महसूस कर रहे हैं. हमारी हमारे सेंस, अब आप कहेंगे सर सेंस क्या होता है, आईज जो हमें दिखाई दे, हमें इस पूरे रूम में जो चीज दिखाई दे रही है वो मैटर है. नोज जो स्मेल करे, आप देखे आ हा मम्मी क्या बढ़िया खाना बना रही है, अब क्या स्मेल आ रही है, ये देखिए ये भी मैटर है. आ हा क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही स्किन, ये हमारा वो है टंग टेस्ट करके आ हा बहुत अच्छा खाना बना है. That is also which can be feel by our senses, that is matter. तो देखें उस matter का जिसको जो चीज हमें दिखाई, देखें air हमें दिखाई नहीं दे रही फिर भी हम उसको matter consider कर रहे हैं, उसका भी simplest मतलब जो complex बिल्कुल भी नहीं है, smallest means which cannot be further divided into still smaller part, right? That is we have a matter. तो that matter, उस matter का जो simplest और smallest part है, आगे फिर देखें which can take part in reaction. देखें जब तक एटम के बारे में नहीं मालूम है तब भी हमारे पास how many types of reaction we have in terms of atom. We have two types of reaction. One is called nuclear reaction. Nuclear reaction आज के ये तो हम आज के हिसाब से बता रहे हैं. Another we have a chemical reaction. Now मैं याद दिला दूं कि chemical reaction क्या है और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या. केमिकल रिएक्शन आर दो द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन. अगेन द इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन. एंड न्यूक्लियर रिएक्शन आर दो द न्यूक्लियस इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन. देखिए उस समय भी डॉल्टन के समय भी वो सारी रिएक्शन होती थी, पॉसिबल थी. जो वो सारी रिएक्शन मतलब एटम वो पार्ट था, वो स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट पार्ट था जो हर तरह के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो. तब तक हमें न्यूक्लियस नहीं मालूम था और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं मालूम था. बट द एटम दैट स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच कैन टेक पार्ट विच वॉज टेक पार्ट इन एवरी टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन दैट टाइम टू, राइट? तो एटम इज द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच कैन टेक पार्ट इन द रिएक्शन इज नोन एज एटम. नाउ अब देखिए यहां पर एक बात बताना चाहता हूं. इसका मतलब यह हुआ कि अप टू दिस डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी द एटम was indivisible particle मतलब which cannot be divided into further smaller part, which cannot have still a smaller part of the atom.
सो नाउ बट सम मॉडर्न साइंटिस्ट लाइक जे थॉमसन रदरफोर्ड चैडविक दे प्रूव दैट एटम इज मेड अप ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल. नाउ सी सम फंडामेंटल पार्टिकल, आई एम यूजिंग द वर्ड फंडामेंटल. व्हाट डज दिस मीन फंडामेंटल? फंडामेंटल, मैं बता दूं फंडामेंटल का मतलब क्या होता है. एटॉम, अभी मैंने आपको चालू करने से बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये वो फंडामेंटल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं. अगर ये आता है तो आपको केमिस्ट्री दिखाई देती है, समझ में आती है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कंटेन करते हैं. फंडामेंटल विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री. तो नाउ एटम, नाउ सम मॉडर्न साइंटिस्ट लाइक जे थॉमसन चैडविक रदरफोर्ड दे प्रूव दैट द एटम इज मेड अप ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल. आफ्टर दिस रदरफोर्ड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आफ्टर दिस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अप टू व्हेन द वाटर एटम वाज इंडिविजुअल पार्टिकल. मैं बहुत ज्यादा उसके डीप में लेने जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आप 9th-10th में बहुत डिटेल में पढ़ के आ रहे होते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. सो मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए इसको बात आगे बढ़ाते कहते हैं. सम मॉडर्न साइंटिस्ट लाइक जे थॉमसन रदरफोर्ड चैडविक सच टाइप ऑफ साइंटिस्ट प्रूव दैट दिस एटम इज मेड अप ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल. फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब मैंने बता दिया, जिसके बगैर एटम एग्जिस्ट कर नहीं सकता. नाउ अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग ये फंडामेंटल चैप्टर है फॉर द केमिस्ट्री, इसका मतलब विदाउट विच द केमिस्ट्री कैन नॉट बी एग्जिस्ट. इसका मतलब ये हुआ जिस बच्चे को एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया है उसको केमिस्ट्री दिखाई देगी, जैसे फुटबॉल मैच में फुटबॉल दिखाई देती है. और इसीलिए सुनिए, संडे को एटॉमिक स्ट्रक्चर ये और केमिकल बॉन्डिंग और यहाँ तक पढ़ाऊंगा आपको, सारा 11th क्लास के टॉपिक पढ़ाऊंगा. और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इसमें बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वो बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से आते हैं, आपको पता चलेगा कि कोई चीज लाइक चल रही है या नहीं चल रही. इज इट क्लियर? आगे चलते हैं. Some modern scientists like J.J. Thomson, Rutherford, Chadwick prove that the atom is made up of some fundamental particle that is of two types. One is called stable particle, stable. Another is called unstable particle. देखिए आपको आप केमिस्ट्री बुक में जाएंगे तो भी आपको ये स्टेबल और अनस्टेबल दो अलग नहीं दिखाई देंगे, फिर भी मैं यहाँ पे आपको ले रहा हूँ कि what is this stable and unstable particle. Now stable particles are electron, proton and neutron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वही के वहां थोड़ा हिडन है तो मैं इसको यहां पे ले आया, इसको अनस्टेबल पार्टिकल. आई एम जस्ट टेकिंग इट बैक, जहां पे आपको दिखाई दे मैं वहां पे बात करूंगा. नाउ अनस्टेबल पार्टिकल, दीज अनस्टेबल पार्टिकल्स आर पॉजिट्रियॉन्स, न्यूट्रियॉन्स, बच्चे इसको न्यूट्रियोनो भी बोलते हैं, न्यूट्रियॉन्स, मेजॉन्स. मेजॉन्स में बहुत सारे हैं, पाई म्यूजॉन, म्यू सिग्मा मेजॉन, उसमें भी पॉजिटिव मेजॉन, नेगेटिव मेजॉन, सो मेनी अदर्स. नाउ अबाउट 27 टाइप्स ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल आर नोन. सवाल उठता है सर ये अनस्टेबल आप बता क्यों रहे? बिल्कुल मैं बताऊंगा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहले आपके सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अभी वहां पे आप हट गया, अब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स. ये पॉजिट्रियन, न्यूट्रियॉन्स, मेजॉन्स, इनको आप पढ़ेंगे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में, न्यूक्लियर फिजिक्स में. तो अगर मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा तो आपको कहीं ना कहीं वो बात आपको खटकेगी. सो देयरफॉर दिस स्टेबल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन अब नाउ मैं एक बात बताना चाहता हूँ. देखें मैंने अभी आपसे कहा कि दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, तो मैं यहाँ पे एक बात नोट करके बोलना चाहता हूँ, उसको आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, मुझे नहीं लिखना. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स, are the most important fundamental particle for all the elements known to us, for all the elements known to us except hydrogen, except hydrogen. Agar aapko ye baat samajh mein aayi, why it is except hydrogen, why we have exclude the hydrogen, why we have exclude the hydrogen. देखिए yes, agar aapko malum hai to zarur chat box mein aap likhe ki why except, why we have excluded the hydrogen. बात है प्रीवियसली हम लोग 9th-10th पढ़ के आ रहे हैं, बार बार मैं 9th-10th की बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे 9th-10th में ऑलरेडी आपने इसको देखा हुआ है, वहां पे भी हम लोग ने देखे दिया था. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाज डिस्कवर ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एंड एनोड रे, एनोड रे.
मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कैथोड रे एंड एनोड रे एक्सपेरिमेंट अलग अलग टीम ऑफ साइंटिस्ट ने अलग अलग ईयर्स में इसको परफॉर्म किया था, अलग अलग ईयर में अलग अलग टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज परफॉर्म दिस कैथोड रे एंड एनोड रे। बट आज की डेट में हम ये बता सकते हैं, ये हम जानते हैं कि दिस कैथोड रे एज वेल एज एनोड रे आर द साइमल्टेनियस प्रोसेस। व्हाट डज इट मीन? अगर कैथोड रे वहां पे प्रोड्यूस हो रही होगी तो एनोड रे भी जरूर प्रोड्यूस होगी। फिर भी मैं बता दूं, कैथोड रे और एनोड रे दोनों अलग अलग टीम ऑफ साइंटिस्ट ने अलग अलग समय में इसको परफॉर्म किया था, अलग अलग टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज परफॉर्म द अलग अलग टाइम दिस एक्सपेरिमेंट। और हम आज इसलिए कंपेयर वे में बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि दोनों कैथोड रे एज वेल एज एनोड रे फॉर्मेशन इन अ कैथोड रे इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। अगर एक कैथोड रे कहीं पे डेवलप हो रही होगी तो एनोड रे भी जरूर डेवलप हो रही होगी। एट द एंड ऑफ द टॉपिक आई विल प्रूव दिस राइट। कैथोड रे, देखिए कैथोड रे के लिए मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ एक वैक्यूम ट्यूब। देखिए इस एक्सपेरिमेंट को चालू करने वाला था जूलियस पार्कर, साइंटिस्ट का नाम था जूलियस पार्कर, हैड टेकन अ वैक्यूम ट्यूब राइट। और इसको परफॉर्म करने के लिए उसने क्या किया, इसमें कैथोड, दिस इज कैथोड एंड दिस वाज द एनोड। अब देखिए कैथोड अगर एनोड है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग सोर्स से हमको इसको जोड़ना पड़ेगा। और इसको देखिए इसको ले करके यहां से सो मेनी टाइम्स ऑफ ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट राइट, बट ही हैज फाउंड नथिंग, नो रिजल्ट इन इट। गोल्डस्टीप ने क्या किया, इसमें वैक्यूम ट्यूब है, इसका मतलब नहीं कि वैक्यूम ही करेंगे, उन्होंने उसमें थोड़ा चेंज किया, वैक्यूम की जगह इसमें हाइड्रोजन गैस लेते हैं एट द प्रेशर ऑफ 0.01 atm। और इस प्रेशर पे इसमें हाइड्रोजन गैस इंजेक्ट की और 10,000 volt यहां से प्रोड्यूस किया, 10,000 volt। देन वॉट द गोल्डस्टीप एंड द टीम ऑब्जर्व दैट ए रे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम कैथोड and it moves in a straight line and able to produce a fluorescence, and this is your fluorescence right। मैंने यहां क्यों लिखा, अभी उधर भी आएगा। तो गोल्ड स्टीम एंड द टीम कॉल्ड दिस रे एज अ कैथोड रे। व्हाई दे हैड कॉल्ड द कैथोड रे, बिकॉज दे द ओरिजिन ऑफ दिस रे इज कैथोड, सो देयरफॉर दे हैव कॉल्ड दिस रे एज अ कैथोड रे। बट मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखें अगर आप जीके की बुक में पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर नाम ना तो जूलियस पार्कर का आता है ना गोल्ड स्टीम का आता है, किसका आता है, जे थॉमसन का। तो आगे सुने, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, विच प्रॉपर्टी मैं भी डिस्कस करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे जे थॉमसन कॉल्ड दिस रे एज अ बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन। मैं फिर बता दू, इलेक्ट्रॉन नाम देने वाला जे थॉमसन था, इसको स्टार्ट करने वाला, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने जूलियस पार्कर ने स्टार्ट किया था और गोल्ड स्टीम ने इसको आगे बढ़ाया था राइट। मैंने अभी बताया कि कैथोड रे भी मैं यहां पे दे रहा हूं, आज की डेट में साथ ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग ईयर में अलग अलग टीम ऑफ साइंटिस्ट ने इसको परफॉर्म किया था, इस पूरे उसको राइट right? इस पूरे को यहाँ पे उसने अलग अलग टीम ऑफ साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था। नो मैं देखें यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट यहीं पे सेम टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब बता रहा हूँ, सारे चीजें सेम है, रिमेन सेम, एवरीथिंग इज रिमेन सेम एक्सेप्ट वन चेंज इज देयर। क्या चेंज है, सेम वैक्यूम ट्यूब इज देयर। Now, this time rather than plated cathode, they have taken a perforated cathode. Perforation means जिसमें छेद छेद होंगे, ठीक है। और वहां पे देखें, यहां पे जो आपने कैथोड लिया था इस वाले में, वो कैथोड आपके पास प्लेटेड कैथोड था, प्लेट था राइट। एंड ही हैज अगेन कनेक्ट विद द 10,000 volt, रेस्ट ऑफ द कंडीशन आर रिमेन, दिस इज द नोड। नाउ अगेन ही हैज टेकन अ हाइड्रोजन गैस इन इट, again the temperature pressure is 0.01 atm। now when they produce 10,000 volt from here, then what they have observed that a ray is also start producing from anode and moves in a straight line and able to produce a fluorescence
एट दिस वॉल। नाउ देखिए, मैंने फिर यहां पे इसीलिए फ्लोरोसेंस को बीच में लगा दिया, ये भी एक फ्लोरोसेंस है। और एंड द टीम, द गोल्ड स्टीम टीम कॉल्ड दिस रे एज एनोड रे, बहुत सारे नाम दिए इसको, एनोड रे, कैनाल रे। व्हाट इज कैनाल रे? बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दिस होल, कैनाल रे, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रे, पॉजिटिव रे। सो मेनी नेम्स आर गिवन टू द एनोड रे। फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको इतने सारे नाम दिए जरूर, एनोड रे, पॉजिटिव रे और कैनाल रे, लेकिन अभी भी प्रोटॉन नाम नहीं आया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, कौन सी प्रॉपर्टी अभी मैं नीचे डिस्कस करूंगा इसी में। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे, रदरफोर्ड गिवन द नेम एज प्रोटॉन। रदरफोर्ड कॉल दिस रे एज अ बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज था इसीलिए उसको प्रोटॉन कहा। Rutherford called this ray as a beam of positively charged particle. That's why one of the name is there, is a positive ray. And called this ray as proton. Right? कौन कौन सी property देखें? पहली property मैं यहाँ पे देखें, क्यों मैं compare way में पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि compare way में क्या होगा? एक को मुझे बताना होगा, दूसरे को आप खुद ही समझ रहे होंगे कि क्या है। क्योंकि समझदार को बताते हैं लोग, इशारा काफी होता है। अब वो समझदार आप हैं कि नहीं है ये आप समझें। मैं तो इतना जानता हूं। Now see. पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रे, मैं शॉर्ट में मैं चीजें बोल रहा हूं, बाकी देखें मैं सिर्फ शॉर्ट में यहां पे लिखूंगा। कैथोड रे कैन एबल टू प्रोड्यूस अ फ्लोरोसेंस, कैथोड रे प्रोड्यूस अ फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस बिहाइंड एनोड और इन फ्रंट वॉल ऑफ कैथोड, राइट, और एट जिंक सल्फाइड क्रिस्टल। बोलो कि सर, आप ये बोलेंगे सर जिंक सल्फाइड क्रिस्टल क्या है? ये जिंक क्रिस्टल, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल वो क्रिस्टल होते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पे लगा रहता है, ये व्हाइट कलर का वो आपके बल्ब पर, उससे ल्यूमिनेशन अच्छी हो जाती है आपकी, जो वो वीडियो आप देखते हैं, फिल्म देखते हैं, और उसकी जो स्क्रीन आती है, एक अलग से स्क्रीन भी आती है, लोग दीवार पे देखते हैं उसमें उतनी बढ़िया फिल्म नहीं आती, उस स्क्रीन पे ये जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल की लेयरिंग होती है और वो लेयर आपकी जो फिल्म की ल्यूमिनेशन वो इंक्रीज कर देती है। तो इट प्रोड्यूस द फ्लोरोसेंस एट दिस वॉल बिहाइंड द एनोड और इन द जिंक सल्फाइड क्रिस्टल। व्हाई? अगर मैं एनोड रे की बात करूं, एनोड रे कैन एबल टू प्रोड्यूस द फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस एज वेल एज फॉस्फोरेंस, फॉस्फोरेंस। देखिए दो वर्ड आ गए, बिहाइंड द परफोरेटेड कैथोड और अगेन जिंक सल्फाइड क्रिस्टल, दो बातें आपके पास आ गई, फ्लोरोसेंस एज वेल एज फॉस्फोरेंस। क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज दिस फ्लोरोसेंस? देखिए कैथोड रे से फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रहा है, एनोड रे वहां पे फॉस्फोरेंस भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज दिस फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेंस? बहुत कई बार आप कहते हैं सर मम्मी मुझे पैसा दे दो, फ्लोरोसेंट पेपर लाना है, उस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे चलाना है। आप फ्लोरोसेंट वो माइकर मार्कर भी देते हैं जिसमें बुक में हाईलाइट करते हैं, हाईलाइटर भी बोलते हैं आप उसको। व्हाट इज फ्लोरोसेंट? देखिए आप नहीं जानते, मैं बताता हूं, आप कहीं दाएं बाएं लिख जरूर ले, द थिंग विच ग्लो बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनी एनर्जी दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। जैसे ट्यूबलाइट, हमारे रूम की जो ट्यूबलाइट ग्लो कर रही है, इट इज ग्लोइंग ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी एनर्जी अगर आप दे रहे हो और चीज ग्लो कर रही तो वो फ्लोरोसेंस कहलाएगी, राइट। और आप यहाँ पे देखें 10,000 वोल्ट ऑलरेडी दोनों उसमें आप एक्सपेरिमेंट में दे रहे हैं, तो इट इज अ फ्लोरोसेंस। नाउ आगे बात सुने, अगर आपने एक आयरन रॉड ली और उसको क्या किया, आग में भट्टी में डाल दिया, और आग की भट्टी में क्या हुआ, वो वहां पे रेड हॉट हो गया, इट बिकम रेड हॉट। अगर रेड हॉट हो गया इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ फ्लोरोसेंस। रेड हॉट इज वॉट? दैट इज अगेन फ्लोरोसेंस, राइट। अगर सुने व्हाट इज फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस मैं दूसरी तरह की बात करूं, जो आपका टीवी जब चल रहा होता है, ऑन रहता है, तो जो ग्लो ग्लोइंग होती है वो फ्लोरोसेंस होती है, राइट। अब व्हाट इज फॉस्फोरेंस, विच ग्लो विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एनर्जी, किसी जिसमें आप एनर्जी नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब जिस फ्लोरोसेंट पेपर की आप बात कर रहे थे ना, उसको आप अगर लाइट में देखेंगे तो फ्लोरोसेंट होगा, अगर उस पेपर को आप डार्क रूम में ले जाएंगे तो वो नहीं ग्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट एनर्जी फॉल हो रही है और ग्लोइंग वो आपको चमक दिखाई दे रही, दैट इज वी हैव अ फ्लोरोसेंस। एंड विच ग्लो विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरेंस। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप देखते हैं घड़ी में, कहते हैं देखो मेरे उसमें रेडियम लगा हुआ है, चमक रहा है, आपने देखें उसकी रोशनी को रोका तब वो ग्लो कर रहा है, दिस इज फॉस्फोरेंस। जुगनू देखा, जुगनू लात में ग्लो करता है, क्या बैटरी चार्ज करके करता है? नहीं, दैट इज फॉस्फोरेंस। कई बार बच्चे अपने टी शर्ट में भूत बना लेते हैं, वो दिन में नहीं दिखाई देता, वो जो लाइट ऑफ होती है तब चमकता है। आपके घर में जो एसी का रिमोट है ना, उसमें एक आधा बटन जो ऑन ऑफ वाला है, वो रात में ग्लो करता है, फॉस्फोरेंस।
आपके पास बहुत, सुनिए, आपके घर में टॉर्च होगी, आजकल टॉर्च की जो नॉब है ना वो रात में ग्लो करती है, जिससे आप अंधेरे लाइट चली जाए तो आप उसको, दैट इज फॉस्फोरस। तो विच ग्लो विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एनर्जी, दैट इज फॉस्फोरस। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप ट्यूबलाइट रात में ऑफ कर देते हैं, उसके कॉर्नर ग्लो करते हैं, आपको मिलते हैं कॉर्नर ग्लो कर रहे हैं। देखिए, लाइट ऑफ जब आपने स्विच ऑन था तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, जो ट्यूबलाइट जल रहा था वो फ्लोरोसेंस था, ऑफ करने के बाद जो थोड़ी सी ग्लोइंग दिखाई दे रही है वो फॉस्फोरेंस है। कभी आपने टीवी चोरी चोरी देखा आईपीएल वगैरह रात में, तो देखें अंधेरे रूम में आप अकेले बैठ के टीवी देख रहे हैं तो जो ग्लोइंग हो रही टीवी पे मैच आ रहा है वो फ्लोरोसेंस है, और जब आपने वहीं से लाइट, बाकी सारी चीज ऑफ है, अगर आपने टीवी ऑफ कर दिया तो थोड़ी देर फॉर सेकंड ऑफ सेकंड मूवमेंट ऑफ सेकंड के लिए जो ग्लोइंग दिखाई दे रही वो फॉस्फोरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड रे कैन एबल टू प्रोड्यूस द फ्लोरोसेंस एज वेल एज फॉस्फोरेंस। देखें एक बात, तो आप अगर आपने साइंस ले ली 11th क्लास में तो आप यंग साइंटिस्ट हैं, बीइंग ए यंग साइंटिस्ट तो एक बार आपको पहले ही यहाँ एक्सपेरिमेंट में दिखाई देनी चाहिए थी, आपको पूछना चाहिए था सर यहाँ पे प्लेटेड कैथोड लिया कैथोड रे में, यहाँ पे उसमें छेद क्यों कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि एनोड रे में इंटेंसिटी इतनी है ही नहीं कि वो इस प्लेटेड कैथोड को क्रॉस कर पाती, इसलिए हमको उसको क्रॉस करने के लिए वहां पे उसके रास्ता बनाना पड़ा, छेद करना पड़ा, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी लो है। और देखें लो है तो कब लो होगी, जब वेलोसिटी कम होगी, वो भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो इसका मतलब स्विच ऑफ करने के बाद जो वहां से रे निकल चुकी थी और बाद में आके वहां पे ग्लो की, जो परफोरेटेड कैथोड के पीछे आके गिरी, उसका इंप्रेशन उस फ्लोरोसेंस जैसा नहीं था, तो जो भी इंप्रेशन आया हल्का बहुत वो फॉस्फोरेंस था। तो एनोड रे कैन गिव यू फ्लोरोसेंस एज वेल एज फॉस्फोरेंस, मतलब 10,000 वोल्ट ऑफ करने के बाद भी वहां पे छोटा सा इंप्रेशन रह जाएगा फॉर अ सेकंड ऑफ मूवमेंट ऑफ सेकंड, वो फॉस्फोरेंस कहलाएगा, और जो ग्लोइंग उससे पहले आएगी जब तक 10,000 वोल्ट आप दे रहे हो वो फ्लोरोसेंस कहलाएगा, राइट। नंबर सेकंड पॉइंट, देखिए दोनों पॉइंट के, दोनों रे के लिए दे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। नाउ यहां पे भी एनोड रे भी आप देखें, एक चीज बताता हूं, दे मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इररिस्पेक्टिव टू द पोजीशन ऑफ एनोड। एनोड आपके पास आपने ऐसे लगाया या नीचे लगा लेते तो भी वो सामने ही जाके वो करती, वो पोजीशन ऑफ एनोड की वजह से वो वहां पे डाइवर्जन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कैथोड रे एज वेल एज एनोड रे, एनोड रे के भी सेम है, एनोड रे इज ऑल्सो मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इररिस्पेक्टिव टू द पोजीशन ऑफ कैथोड, सो देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन द मूवमेंट, राइट। तो देयरफॉर बोथ ऑफ द रे आर मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इररिस्पेक्टिव टू द इलेक्ट्रोड, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट, देखिए अगर इफ वी प्लेस, अब देखिए एक्सपेरिमेंट सुने, एक्सपेरिमेंट नहीं बताएंगे, कंक्लूजन बताएंगे। इफ वी प्लेस अ फ्रैक्शनलेस व्हील इन द पाथ ऑफ कैथोड रे एज वेल एज एनोड रे, देखिए यहां पे मैंने एक व्हील रख दिया, ये देखिए इस पाथ में रख दिया। सिमिलरली यही एक्सपेरिमेंट यहां पे भी एनोड रे पे, फ्रैक्शनलेस व्हील मतलब फोर्स का कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, जितना आप फोर्स देंगे उतना आपके पास रिजल्ट आएगा। तो बताते हैं दिस व्हील स्टार्ट रोटेशन, रोटेटिंग, अगर ये रोटेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, अगर उसमें मूवमेंट हो रहा है वो रोटेट करने लगा, इसका मतलब कैथोड रे कैन एबल टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन इट, अगर फोर्स देगा तभी एक्सेलरेशन है। और देखिए इसी फॉर्मूले को आप चेंज करते हो तो एफ इजिकल टू एम ए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैथोड रे कैन एबल टू रोटेट द व्हील इट मीन्स दे कैन एबल टू प्रोड्यूस द फोर्स, और फोर्स तभी प्रोड्यूस होगा, तब जब फोर्स प्रोड्यूस होगा तभी उसमें एक्सेलरेशन आएगा, और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा तो मास आएगा। दिस शोज दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ अ बीम ऑफ अ पार्टिकल हैविंग सम मास। देखिए मैं यहां पे दो वर्ड यूज कर रहा हूं, मास अगर कहेंगे तो उसका नेचर पार्टिकल होगा, इस पूरे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं किसी के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं पार्टिकल तो उसमें मास होना मैंडेटरी है। तो इस पूरे चैप्टर के लिए एक बात आपको समझाना चाहता हूं, किसी भी चीज में अगर मास होगा तो उसका नेचर पार्टिकल करेक्टर होगा, अगर वो पार्टिकल वर्ड यूज कर रहा है तो उसमें मास होना जरूरी है, तो अगर वो फोर्स वहां पे फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है इसका मतलब उसके अंदर मास है। एंड सिमिलरली अगर यही एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे किया तो वहां पे भी व्हील रोटेट की, लेकिन व्हील में जो था एक्सेलरेशन कम था। अब देखिए एक्सेलरेशन कम होगा तो क्या होगा, दिस अगर आप यहां पे लेके आए तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, अगर एक्सेलरेशन कम है तो मास ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड रे उस व्हील पे जो फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो बहुत कम होगा, क्यों कम होगा वो अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा। तो कितना मास, सवाल उठता मास कितना, देखिए मास ऑफ दिस पार्टिकल इज दैट इज वी हैव 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram,
और इट इज इक्वल टू 0.00054 एटॉमिक मास यूनिट और इट इज एटॉमिक मास एमयू और इट इज इक्वल टू द उसमें चलना चाहिए, नहीं तो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं वापस इस पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एंड नाउ द मास इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम और इट इज इक्वल टू 0.00054 एटॉमिक मास यूनिट और इट इज इक्वल टू 1/1837 टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम के मास से 1837 गुना कम, 1837 गुना कम, राइट। और देखिए इसकी मास की अगर हम लोग बात करेंगे, मास ऑफ दिस इट इज 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम और इट इज इक्वल टू 1.0076 एटॉमिक मास यूनिट और इट इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखें ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर है जबकि इसका मास हाइड्रोजन एटम के 1836 गुना कम है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एनोड जो कैथोड रे का मास है वो एनोड रे से भी 1837 गुना कम है, या यूं कह दें एनोड रे का जो मास है वो 1837 गुना कैथोड रे के मास से ज्यादा है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम यहां तक? देखें अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप यहाँ पे आप मुझको बताएं। जब तक आप अपने कमेंट्स को यहाँ पे देंगे नहीं तब तक शायद आई एम अनेबल टू सी एनीथिंग। तो अब मैं आपके कमेंट को देखने के लिए, देखिए मैं यहाँ पे अपने फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ और मैं शो का मैं अभी तक आपके लाइव कमेंट को देख नहीं रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास और मैं अभी इस पर थोड़ा सा नया भी हूँ तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा उसमें एडजस्ट होने में, राइट। बट आई होप दैट वी कैन हैव द डिस्कशन, राइट। देखें कोई अभी मेरे पास यहाँ पे देखें तो मैं आपके कमेंट को जरूर यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ और आप अगर मुझको कहीं पे भी लाइक करते हैं जरूर आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसमें से कोई पैसा तो लग नहीं रहा, तो कम से कम आप एक उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यही है कि आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन जरूर करें भाई। हालांकि इस तरह की चीज़ों की कोई वैल्यू होती नहीं है, प्राइसलेस है, राइट। आगे बढ़ो, सिमिलरली नाउ नेक्स्ट मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। तो देखिए अगले पॉइंट पे आने से पहले मुझे इसी में एक्सपेरिमेंट लेना पड़ेगा। इफ वी केप दिस कैथोड रे एज वेल एज एनोड रे इन द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, देखें इसको यहाँ परपेंडिकुलर पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को रख दें, क्या होगा? दिस कैथोड रे विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द प्लेट। पॉजिटिव एंड क्या मतलब हुआ इसका? सिमिलरली अगर यही चीज यहाँ पे भी करें, कैथोड रे और एनोड रे को परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखें तो ये जो कैथोड रे है इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव एंड ऑफ द प्लेट, दिस इज नेगेटिव एंड और ऊपर वाली यहाँ पे पॉजिटिव एंड थी तो ये दिस विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द प्लेट। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब हुआ? अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो पहली बात तो ये है कि उसके ऊपर चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज फील्ड है और चार्ज फील्ड को चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है? चार्ज को अट्रैक्ट करता है, दूसरी बात अपोजिटली चार्ज को करता है। अगर कैथोड रे इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द प्लेट इट मींस द कैथोड रे इज कंसिस्ट ऑफ अ बीम ऑफ अ पार्टिकल हैविंग सम चार्ज। दूसरी बात अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव में होना चाहिए, इसी तरह का कैथोड रे जो है वो पॉजिटिव एंड सॉरी नेगेटिव एंड ऑफ द प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, इसका मतलब द एनोड रे इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ बीम ऑफ अ पार्टिकल हैविंग सम मास सॉरी हैविंग सम चार्ज इन पॉजिटिव, दोनों में चार्ज, तो इसका मतलब कितना चार्ज है? अब उसकी मैग्नीट्यूड देखें, उसको कैलकुलेट तो हम लोग ऑयल मिल्किंसन ऑयल ड्रॉप मेथड से करते हैं लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे बात करते हैं। द चार्ज इज इक्वल टू -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, राइट। और यहाँ पे अगर मैं इसी पॉइंट की बात करूँ तो चार्ज इज इक्वल टू +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। देखें बहुत सारी बातें अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो चैप्टर बहुत खिंच जाएगा, वरना मुझे अपने बचपन की याद आती है कि भाई हम जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे, निकालने का मतलब मैथ्स वाले टीचर बताते थे कि वह सब्ट्रैक्शन, लेकिन वहाँ एने के ऊपर +1 चार्ज हो जाता था। यहाँ पे उसी तरह क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन रखते थे, एडिशन मतलब पॉजिटिव साइन, मैथ वाले सर बताते थे, केमिस्ट्री वाले सर बताते हैं कि नहीं Cl-, क्यों उसकी बात फिर कभी करूंगा, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं, राइट। नाउ फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूँ, देखिए फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट एंड सेवन पॉइंट,
बल्कि एट्थ पॉइंट भी। यहां पे ये सारे पॉइंट का रीजन एक ही है। तो पहले ये चार पॉइंट आपको डिस्कस कर लू, फिर मैं उसका रीजन दूंगा, राइट। पहले देखें, द कैथोड रे कैन एबल टू प्रोड्यूस एक्सरे, कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखें एक्सरे। अगर मैं इसके लिए एनोड रे के लिए लिखूंगा तो लिखता है डू नॉट प्रोड्यूस द एक्सरे, राइट। नाउ कैथोड रे प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट ऑन द मैटर इट फॉल, ऑन द मैटर इट फॉल, जिसपे भी यहां पे फ्लो ये फॉल करेगा वो उसमें हीटिंग है, उसके बाद आप छुएंगे तो गर्म हो जाएगा। बल्ब भी आप देखते हैं, बल्ब का आधा घंटा जल जाए तो आप उसको छूते हैं तो कह रहे हैं यार जल रहा है, तो जी हीटिंग इफेक्ट। जबकि यहां पे अगर मैं बात करूं एनोड रे डू नॉट प्रोड्यूस, आइदर डू नॉट प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट और इट विल प्रोड्यूस लिटिल हीटिंग इफेक्ट। लिटिल मतलब 100 सोनार की एक लोहार की, दिन भर बैठ के कट 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 सोनार करता है, उसके बाद आप सोने के टुकड़े को छुइए कभी गर्म नहीं होगा। हीटिंग तो वो भी देना चाहिए, लेकिन हीटिंग हो भी रही है, लेकिन वो हीटिंग इफेक्ट इतना कम है कि उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। जबकि लोहार क्या करता है, एक हथौड़ा दम से मारता है और उसके बाद आप सरफेस छुइए। तो कैथोड रे 100 सोनार वाले कंसेप्ट पे चलता है, और एनोड रे की बात क्या है, वो एक लोहार हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और एनोड रे के लिए आप कह रहे हैं आइदर इट डू नॉट प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट और इट प्रोड्यूस लिटिल हीटिंग इफेक्ट ऑन द मैटर इट फॉल, लिटिल मतलब इट इज टेकन टू बी निग्लिजिबल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, द कैथोड रे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, कैथोड रे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर एंड नाउ सी व्हेन द कैथोड रे इज एबल टू क्रॉस टू द 1.5 सेंटीमीटर थिक लेड प्लेट। वाई मैंने लेड क्यों लिया, क्योंकि मेटल में सबसे ज्यादा डेंसिटी लेड की होती है, और उसकी 1.5 सेंटीमीटर थिक अगर प्लेट ले और उसमें से कैथोड रे जब पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी सिर्फ रिड्यूस टू हाफ होगी, मतलब जीरो तो तब भी नहीं होगी। एंड अगर मैं यहां पे बात करूं एनोड रे की, तो दे डू नॉट हैव एनी पेनिट्रेटिंग पावर, होती नहीं, आइदर नो ऐसे कहेंगे नो। नाउ एट पॉइंट, द कैथोड रे कैन एबल टू आयनाइज द गैस थ्रू विच इट पास, जिस भी गैस से कैथोड रे पास होगी वो सारी गैस आयनाइज हो जाएंगी, राइट। अभी यहां पे बात करें आइदर दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू आयनाइज द गैस थ्रू विच इट पास और दे हैव लिटिल टेंडेंसी, लिटिल मतलब फिर भी वो इग्नोरेबल। इन चारों का देखें फंडा क्या है, इन चारों का एक्सप्लेनेशन सीधे सीधे मुझको दिखाई देता है। मैं देखें एनर्जी, अगर एनर्जी है तभी वो, देखें एक्सरे वाला कंसेप्ट जो फिफ्थ पॉइंट दिया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये पूरा अगले चैप्टर को जनरेट कर रहा होगा। कैथोड रे की इसी प्रॉपर्टी को पीरियोडिक टेबल जनरेट में यूज करेंगे, मैं यहां पे डिस्कस करूंगा उसको। अब देखें हीटिंग इफेक्ट अगेन एनर्जी, पेनिट्रेटिंग पावर, जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक आप किसी से कुश्ती लड़ ही नहीं सकते। आयनाइज करने के लिए भी देखें, वहां पे भी अगर आपने देखा कैथोड रे के लिए 10,000 वोल्ट, आप देखें सारा खेल यहाँ पे आयनाइजेशन का है, एनर्जी का है, क्योंकि मूविंग पार्टिकल है तो एनर्जी होगी 1/2 mv². अब सुने, चूंकि इसका मास 1837 गुना छोटा था मास ऑफ एनोड रे, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखिए वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी 2 लार्ज होगी, और वेलोसिटी जब लार्ज होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी आल्सो लार्ज। तो बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी द कैथोड रे कैन एबल टू गिव ऑल द 4 अबव पॉइंट। जबकि यहां पे अगर एनोड रे की बात करें, चूंकि इसका मास ज्यादा है 1837 गुना ज्यादा, देखिए इसीलिए मैं यहां पे देखूं एनोड रे में इतनी इंटेंसिटी नहीं थी कि वो प्लेटेड कैथोड से क्रॉस कर पाती, मास ज्यादा होने के कारण उसकी वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो इट कैन हैव लिटिल पेनिट्रेटिंग पावर, राइट। तो लिटिल पेनिट्रेटिंग पावर के कारण ही पहले जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था तो एनोड रे भी वहां प्रोड्यूस हुई होगी, लेकिन वो हमें दिखाई इसलिए नहीं दी क्योंकि उसमें एनर्जी कम थी। तो मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी का स्क्वायर कम तो एनर्जी कम। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट अगर एनोड रे नहीं शो कर पा रहा है बिकॉज ऑफ लेस वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे चारों पॉइंट जो है वो डिपेंड करते हैं एनर्जी पे, और एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी डिपेंड करती है मास पे। तो चूंकि एनोड रे का मास 1837 गुना कम है द मास ऑफ एनोड रे, और अगर मास यहाँ पे अगर कैथोड का कम है तो उसकी वेलोसिटी एक्सेप्शनली लार्ज होगी, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आने से पहले मैं एक हेडिंग डालूंगा यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट, या मैं यहां पे एक और डालूंगा हेडिंग ई अपॉन एम रेशियो।
सुने, हम लोग कहते क्या है, हम लोग कहते हैं, मैं नेक्स्ट फाइव पेज पे भी आ जाऊं साथ में, हम लोग कहते क्या है, इफ वी चेंज, इफ वी टेक एनी गैस, एनी गैस, वहां पे कौन सी गैस अभी लिए, हाइड्रोजन गैस लिए वैक्यूम ट्यूब में, इफ वी टेक एनी गैस इन द वैक्यूम ट्यूब, हाइड्रोजन लें, ऑक्सीजन लें, नाइट्रोजन लें, जो भी लें, इफ वी गेट टेक एनी गैस इन द वैक्यूम ट्यूब एंड द इलेक्ट्रोड ऑफ एनी मेटल, आयरन का मेटल इलेक्ट्रोड लें, कॉपर का इलेक्ट्रोड लें, एल्यूमिनियम का लें, कुछ भी लें, द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे विल ऑलवेज रिमेन सेम, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे इज ऑलवेज रिमेन सेम, सो देयर फॉर द ई अपॉन एम रेशियो फॉर द कैथोड रे इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ई अपॉन एम रेशियो कहते हैं इसको, एंड दैट इज द वैल्यू इज 1.75 इंटू 10^11 कूलाम्स पर केजी पर किलोग्राम। मैं बता दूं, ई इज द चार्ज और एम इज द मास, दोनों की वैल्यू मैंने पीछे आपको दी है, चार्ज कितना 1.6 इंटू 10^-19 कूलाम, मास कितना दैट इज 9.1 इंटू 10^-31 किलोग्राम, उसको जब रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू बता रहा कैथोड रे के लिए विल ऑलवेज रिमेन सेम, जबकि अगर इसी पॉइंट को मैं इस एनोड रे के लिए इसी पॉइंट को मैं कैरी करूंगा, इफ वी टेक द सेम पॉइंट हेयर दैट इज वी हैव ई अपॉन एम रेशियो, सो नाउ वी हैव राइट डाउन the anode, the property of anode ray will change with the change in variation of the gas in the taken in a vacuum tube. अगर आप गैस चेंज करेंगे तो anode ray की प्रॉपर्टी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, और अगर anode ray की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब ई एम ऑन एम रेशियो जो है वो नॉट, देखिए नॉट कॉन्स्टेंट लिख रहा हूँ, नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू दे ही नहीं रहा हूं तो कॉन्स्टेंट नहीं है, जबकि कोई भी आप गैस ले रहे हो, कोई भी आप इलेक्ट्रोड का, कोई भी किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड ले रहे हो, द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे विल ऑलवेज रिमेन same, will always remain same, the property of cathode ray will always remain same, any doubt, any confusion, if you have a, kuch bachcho ke math magic, no doubt sir, math magic, okay, parvartika, okay, no doubt sir, clear, okay, if you have any problem, any question, you can leave your question or your doubt at the comment box, definitely in the next session, we will take that question, right, देखिए अब मैं आपको, मैंने आपको जब इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया तो बताया था कि भले इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग समय में अलग अलग टीम ऑफ साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया हो, आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे एज वेल एज एनोड रे इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, साइमल्टेनियस मतलब अगर वैक्यूम ट्यूब में कैथोड रे प्रोड्यूस हो रही होगी तो एनोड रे डेफिनेटली प्रोड्यूस हो रही होगी, देखिए उसको मैं आपको यहाँ प्रूफ करने जा रहा हूँ कैसे, देखें मैंने अभी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ली थी, हाइड्रोजन गैस 10,000 वोल्ट, देखें हाइड्रोजन गैस को आपने वहां पे 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया आपने, वो सफिशियंट एनर्जी है, क्यों, पहले तो आपको इसको एटम में तोड़ना होगा, एटम में तोड़ने के बाद आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब देखें यहाँ पे आपको ये दो चीज देगा, तो 10,000 वोल्ट इज सफिशियंट एनर्जी टू चेंज दिस, अब देखें ये तो निगेटिव पार्टिकल है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी नहीं कह रहा हूँ, दिस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल गिव यू द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे in the vacuum tube and this positively charged particle will give you the property of anode ray. अब देखें इसका E upon m कितना होगा, charge आपके पास 1.6 into 10^-19 ही रहेगा और mass 9.1 into 10^-31 रहेगा, तो value आपके 1.75 into 10^11 coulombs per kilogram ही रहेगा। एनोड रे की अगर बात करें तो ई देखें, अगर मैं इस एच प्लस आयंस की बात करूं तो चार्ज 1.6 into 10^-19 coulomb, और अगर मैं मास की बात करूं तो मास यहाँ पे प्रोटॉन के मतलब दैट इज एनोड रे का जो वेट था उसका दैट इज 1.6 इंटू 10^-27 किलोग्राम, इसके बराबर ही रखा, लीव इट, इसको छोड़ देते हैं, दूसरी गैस लेते हैं तब दिखाई दे। अब देखें पहली बात तो क्लियर कर दी, जो भी पॉजिटिव आयंस होगा वो आपको इस वैक्यूम ट्यूब में पॉजिटिव एनोड रे की प्रॉपर्टी देगा और जो नेगेटिवली पार्टिकल को कैथोड रे की प्रॉपर्टी देगा। नाउ आई एम जस्ट वांट टू टेक द अनदर एग्जांपल एंड चेंजिंग द गैस। नाउ अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, नाइट्रोजन गैस ले लिया, 10,000 वोल्ट ऑलरेडी हम लोग दे रहे थे, वो सफिशियंट एनर्जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस में चेंज हो जाएगा बाय रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल गिव यू द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे and this positively charged particle will give you the property of anode ray, right? अब देखें E upon M ratio इसका same ही है, charge 1.6 into 10^-19 coulomb, mass 9.1 into 10^-13 coulomb, तो यहाँ पे value वही आएगी 1.75 into 10^11 coulombs per kilogram, लेकिन यहाँ पे जरा देखें, नाइट्रोजन में आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास 14 होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, प्रोटॉन भी होते हैं 7 और न्यूट्रॉन भी होते हैं 7।
और यहाँ पे जब एक आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे जो पार्टिकल बचा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन बचे, प्रोटॉन 7 बचे और न्यूट्रॉन कितने बचे 7। अब देखें चार तो इसका 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम रहेगा, लेकिन मास 6 इलेक्ट्रॉन का मास प्लस 7 प्रोटॉन का मास प्लस 7 न्यूट्रॉन का मास के बराबर होगा। इसका मतलब ये मास इज डिफरेंट देन दिस मास। तो देखें अगर मास डिफर कर गया तो ये अपॉन एम रेशियो भी चेंज हो गया, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट, अगर मैं देखें इसका मतलब क्या हुआ, एनोड रे की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ये अपॉन एम रेशियो चेंज हो गया। अगर मैं इसी जगह ऑक्सीजन गैस लूं और मैं यहाँ पे 10,000 वोल्ट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या देगा ओ प्लस एंड नेगेटिव आयंस, इसकी यहाँ पे ये आपको कैथोड रे की प्रॉपर्टी देगा। अगेन द चार्ज इज रिमेन सेम, मास इज रिमेन सेम, ई अपॉन एम रेशियो की वैल्यू जो ऊपर आपने लिए वही रहेगी। लेकिन इसका अगर मैं बात करूं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन कितने, इसका इसका मास ऑक्सीजन का मास होता है एटॉमिक नंबर 8 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास 7 हो जाएंगे, प्रोटॉन आपके पास 8 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन आपके पास 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मास होगा वो 7 इलेक्ट्रॉन का मास प्लस 8 प्रोटॉन का मास प्लस 8 न्यूट्रॉन का मास, ये मास डिफरेंस होगा इस मास से, वो मास डिफरेंट था उस मास से। तो जब भी आप गैस जब चेंज करेंगे इन द वैक्यूम ट्यूब तो प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे जो है वो चेंज होगी विद द चेंज इन द गैस टेकन इन द वैक्यूम ट्यूब। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि दोनों रे, दोनों कैथोड रे एज वेल एज एनोड रे विल द प्रोडक्शन ऑफ बोथ ऑफ द गैस इज द साइमल्टेनियस प्रोसेस। अगर एक गैस प्रोड्यूस हो रही होगी तो दूसरी जरूर प्रोड्यूस होगी, नहीं होने का कोई इश्यू ही नहीं। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? प्रवृत्तिका मैजिक मैथ मैजिक इज देयर, एनी डाउट एनी कंफ्यूजन? आदर्श आई होप दैट यू आर देयर। नाउ चलें अगली बात करते हैं। देखें मैं इस टेबल को आज खत्म करता हूं इलेक्ट्रॉन। देखें अब मैं लास्ट पॉइंट आज बात करता हूं और यहां पे लास्ट पॉइंट कहूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, द लास्ट पॉइंट 9th पॉइंट और 10th पॉइंट। जे जे थॉम्सन कॉल्ड दिस रे एज अ बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन। अब सवाल उठता है सर किस प्रॉपर्टी की, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जो अभी आप आठ प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे हैं, उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, जे जे थॉम्सन कॉल्ड दिस रे एज अ बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां पे अगर मैं बात करूं तो रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे, रदरफोर्ड कॉल्ड दिस रे एज अ बीम ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही हैज कॉल्ड दिस रे एज प्रोटॉन, कॉल्ड दिस रे एज अ प्रोटॉन। देखें इस टेबल को मैंने एक खत्म कर दिया, लेकिन यहां वाली टेबल को खत्म नहीं कर रहा हूं, एक बात और बताना चाहता हूं। रदरफोर्ड ने बड़ी मेहनत की इस पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन न्यूक्लियर रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन न्यूक्लियर रिएक्शन रदरफोर्ड आल्सो डिस्कवर द प्रोटॉन। जैसे एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं, देखें नाइट्रोजन 14 व्हेन इट इज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम पार्टिकल, ही गॉट अ रे, देखें 11 प्लस वी हैव ऑक्सीजन 817, ये ऑक्सीजन आइसोटोप्स और ये दिस इज प्रोटॉन। सुने इस जो ये न्यूक्लियर ये जो आपने मैंने जो रिएक्शन दिखाई आपको ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसको भी बैलेंसिंग क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें इसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, इसका सम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए 7+2 9 एंड 8+1 दैट इज ऑल्सो 9 एंड ऊपर वाला सम दैट इज ये मास एटॉमिक मास का सम भी इधर बराबर होना चाहिए, तो 14+4 18 एंड दिस इज 17+, दिस इज बैलेंस रिएक्शन, परफेक्टली बैलेंस रिएक्शन। और ये जो पार्टिकल H11 देख रहे हैं दैट इज प्रोटॉन और इसकी सारी द प्रॉपर्टी ऑफ दिस H11 इज रिजेंबल विद द एनोड रे। सो देयरफोर द रदरफोर्ड आल्सो डिस्कवर द प्रोटॉन बाय सम न्यूक्लियर रिएक्शन एंड ही हैज गिवन द नेम प्रोटॉन। देखिए मैंने आज आपको आप क्या क्या पढ़ा दिया मैं बता दूं, हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको दे दिया, हम लोगों ने ये दे दिया कि व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, जो हम लोगों ने स्टेबल और अनस्टेबल पार्टिकल की बात की, हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात की, हम लोगों ने कैथोड रे एनोड रे की बात की और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी कर ली। जब नेक्स्ट संडे को हम लोग मिलेंगे, देखिए क्लास एक घंटे से ज्यादा की हो नहीं सकती, उसके बाद वो आपके लिए भी टायरिंग है और मेरे लिए भी टायरिंग है, राइट।
अगली संडे को जब हम लोग मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उस दिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब डिस्कवर हो जाएगा तो क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट करता है कि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो एटम दिखेगा कैसे, हाउ द एटम लुक्स लाइक। तो बहुत सारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आएंगी, वो थ्योरी को डिस्कस करूंगा एवरी संडे। देखिए अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो मैं आपको, हो सकता है कि वीक में और डेज भी मुलाकात होने लग जाए, अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो धीमे धीमे हो सकता है कि संडे क्लास भी जो है धीमे धीमे डिसअपियर हो जाए, राइट। तो ये तो इट इज बेसिस ऑन द कितना इंटरेस्ट आप ले रहे हो ना, ये तो टू वे इंटरेक्टिव है। अगर मैं कोई चीज आपको दे रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी है कि आप उसको लॉग इन। दूसरी बात देखिए, फ्यूचर में हम आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देंगे, जो आप पढ़ेंगे उसको आप कैसे परफॉर्म करेंगे कि ये टेस्ट होगा, उसके लिए देखिए नीचे एक स्क्रॉल चल रहा है, आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं और वो आपके पास जो वेबसाइट है वो www.resultexplorer.com। देखिए एक्सप्लोरर में ई नहीं है और रिजल्ट एक्सप्लोरर एक वर्ड है, मैं अपने आप को लिखता हूँ रिजल्ट एक्सप्लोरर विनय मिश्रा, गूगल में भी टाइप करोगे तो मिलूंगा, और हिंदुस्तान में कम से कम 10 प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, और हिंदुस्तान में नहीं आज के लिए नेशनली और इंटरनेशनली करिकुलम में डील कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं कहीं मिलूंगा नहीं, आप सिर्फ गूगल में एक बार टाइप करें रिजल्ट एक्सप्लोरर विनय मिश्रा, वो आपको सब कुछ बताएगा मेरे बारे में। 25वां साल है एक्सपेरिमेंट ये टीचिंग एक्सपीरियंस का, और मेरे लगता है ये शायद सफिशियंट है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले संडे को जब मुलाकात करें या थर्सडे को आप 12th के टॉपिक में अगर मुलाकात करें तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और उसमें उन लोगों को भी आप रिक्वेस्ट करें कि आप ज्वाइन करें, जितना ज़्यादा भीड़ होगी हम लोग का इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पे भीड़ होती भी, वहाँ पे जैसे 5 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे, 50 बच्चे होते तो शायद मैं अगले 1 घंटे भी अभी पढ़ा रहा होता। धीमे धीमे क्या होता है, एक जब कम भीड़ होती है तो टायरिंग एक टायरनेस आती है, राइट, वो टायरनेस भी हमको देखनी होती, इसीलिए बगल में पानी भी रखा हुआ है कि जब प्यास लगे तो पी भी सके, राइट। तो बहरहाल अगले संडे फिर मुलाकात होगी, उससे पहले थर्सडे को आपको से 7 बजे शाम को 7 बजे लाइव आपको मिलूंगा, और उस दिन वहाँ पे टॉपिक चल रहा होगा सॉल्यूशन 12th क्लास का, वो भी IIT JEE और नीट के लिए भी है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।